रजौन के रहने वाले युवक कई दिनों से था लापता। सबौर थाना क्षेत्र के गंगा नदी में बरामद हुआ युवक का शव। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के धर्माईचक झिटका गांव के रहने वाले मिथिलेश कापरी का 27 वर्षीय पुत्र गुरुदेव कुमार यादव 1 नवंबर से ही घर से लापता हो गया था, जिसका शव भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र से गंगा नदी से बरामद किया गया है। मृतक के पिता का कहना है कि मृतक युवक अपनी चाची बेबी देवी के साथ घर से निकला था और फिर वापस लौट कर नहीं आया। काफी खोजबीन के जाने के बाद भी वह जब नहीं मिला तो बेबी देवी के खिलाफ रजौन थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वहीं आज सुबह शव मिलने की सूचना के बाद परिजन सबौर पहुंचे, जहां उन्होंने शव की पहचान की। वहीं पिता का कहना है कि बेबी देवी बहला फुसलाकर युवक के साथ गलत संबंध बनाई हुई थी, जिसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला ने युवक को कुछ खिला पिला दिया था, जिसके कारण से वह उसकी बात सुनता था। वहीं आरोपी बेबी देवी के पति का कहना है कि वह दिल्ली में काम करता था और कुछ दिन पहले विवाद हुआ था घर में और पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने की बात कही गई थी, लेकिन वह किस कारण से आत्महत्या करने जा रही थी यह नहीं बताया था। वहीं वह घटना को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि वह आज ही आए हैं और उसे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। वहीं मामले को लेकर रजौन पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मिथिलेश कापरी गायब था, लड़का क्या हुआ? 1 तारीख से सर गायब हुआ हो गया था। कहाँ से? घरे से हो गया था सर। धर्माईचक झिटका थाना रजौन जिला बांका, वहीं से उनको बेबी देवी ने वहाँ से लेके चल फिरार हो गया। कौन है बेबी देवी? मेरा जो भबहू लगता है। कहाँ लेके गए? वो लेके गया था ऐसे कि हम जा रहे हैं रिश्तेदार के जान, चलो हमारे साथ। वहाँ से लेके फुसला पन्ना के उसको गंगा जी के किनारे लेके गया, उसको वहाँ धकेल दिया, मारपीट कर दिया। सब मनी बैठा उसमें नहीं, वो पहले जो केस मुकदमा हुआ था, फिर मेल मिलाप हो गया था, फिर शांति से रह रहा था। बीच में इधर से दुर्गा पूजा से उसने अपना मणि मंत्र खिला के उसको पिघला लिया और उसको मार दिया जान से सर। गलत काम भी करवाती थी क्या? अब पता नहीं क्या करवाती थी, वो तो करवाता होगा ना, जब ये वो संबंध बना रखा था दुर्गा पूजा से, करवाता तो होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। गलत संबंध था दोनों में? गलत संबंध होगा जब ही तो ऐसा बात हुआ सर। अब कहाँ है वो? अब बेबी देवी? अभी बेबी देवी ससुराल में है, कहाँ है नहीं है उसका नहीं पता, अभी है नहीं पता, नहीं लग रहा है। केस किया है सर रजौन थाना में। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कापरी।